हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप क्या सब अच्छे होंगे। तो आज का अपना ब्लॉग शुरू करता हूँ, देखते रहिए। राम राम जी। चलो 10 बज गए। सवा दस ये रुकेंगे आपके साहब? यहाँ कौन मुकाम होगा दफ्तर में? साहब जाएंगे भैया वहाँ से, उसमें ये 10-15 किलोमीटर दूर है अभी कोला भी। चलो कर दो गेट बंद। तो मैं पापा जी को लेने के लिए आया था जी। 10:15 बज चुके हैं रात के। शादी में गए थे मुजफ्फरनगर, स्टाम में शादी थी पापा जी के, तो वहाँ पर गए थे और अब आए हैं। पापा जी डाल चाबी देने के लिए जा रहे हैं। ये धर्म घंटा है, 24 घंटे खुला रहता है। तो यहाँ पर दिन जा रहा है, 10:12 हो गए अभी। तो चलो जी पहुँचते हैं घर फिलहाल। हेलो दोस्तों, देखिए आज अंकित ने अपनी वीडियो बनाई है अपने ऑफिस की, जहाँ पर एक कार्यकर्ता पावर हाउस में शाम के टाइम खाना बना रहा है। खाने में देखिए क्या बना रहा है अंकित, आज आपको पता लग जाएगा। 24 घंटे ड्यूटी करके आता है तो शाम के टाइम कुछ ना कुछ बना लेता है, खाना भी लेकर जाता है। लेकिन जब इसका मन दिखता है कि आज तो बस ही खाना है, बस ही तो रोज होता है, लेकिन जब इसकी इच्छा होती है, मन की इच्छा जो भी होती है, कुछ सब्ज़ी बनाने की या फिर कुछ चटपट बनाने की, आज उसी काम में लगा हुआ है। आज ये बना रहा है मैगी, तो शाम के टाइम मैगी बना रहा है खाने के लिए। तो कढ़ाई में अंकित ने मैगी डाल दिया है, देखिए पानी भी डाल दिया इसमें, और चटपटी मैगी बनाई आज इसने, टमाटर प्याज डालकर। ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा चटपटी बनी है कैसी बनी है। देखने में छोंकने में तो ठीक लग रही है, जैसा कि इसने छोंकी है बनाकर इसे, और देखते हैं जी बनने के बाद कैसी लगती है। हमें तो खानी नहीं है, खानी तो अंकित को ही है, हम तो देखकर ही बताएंगे कैसी मैगी बनी है, क्योंकि देखकर ही पता लग जाता है सब्जी का कुछ भी चीज़ हो कि कैसी बनी है। तो देखेंगे अंकित ने कैसी बनाई आज ये मैगी। बनने के बाद मैगी मसाला डाल रहा है अंकित इसमें। बन गई है अंकित मैगी मसाला, तो देखने में तो अच्छी लग रही है। आप भी बताइए कैसी बन रही है ये, क्योंकि देख के पता लग जाता है कि कैसी बन रही है, देखने में तो ठीक ही बन रही है। मैगी को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया, अच्छी बनी मैगी। चलो किसी दिन हम भी घर पर मैगी बनाएंगे, काफ़ी दिन हो गए मैगी खाए भी। गुड्डू और चिंकी ने बनाई थी एक बार, बनवाई थी जब भी खाई थी हमने, तो फिर ट्राई करेंगे कभी। और यहाँ पर मैगी खाने वाले 2 बंदे हैं, एक अंकित है और एक अंकित के स्टाफ का है, तो दोनों आधी आधी करके मैगी खा रहे हैं। अंकित ने गाल दिया अलग अलग। हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ लखनऊ, वहाँ पर कुछ काम है, पूरा स्टाफ जा रहा है ब्लॉग का, तो आपको वीडियो में पता लग जाएगा वहाँ पर क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो देखते रहिए और बने रहे मेरे ब्लॉग में। अंकित जा रहा है मुझे ब्लॉक में छोड़ने के लिए अंकित जा चुके हैं घर, और हम जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह। यहाँ पर विकास खंड के सारे अधिकारी जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल हमारी चलने वाली है जी। 2 गाड़ी है, एक लेडीज की है जो पंचायत सहायक है, और एक जेंट्स की, तो चल दिए हम भी। देख मैं भी जा रहा हूँ,
और हमारी दोनों गाड़ी के साथ दो दो पुलिस कर्मचारी है सुरक्षा के लिए। खंड विकास अधिकारी जो हमारी गाड़ी को हरी झंडी दे रहे हैं आप देख सकते हैं, और सेक्रेटरी साहब सारे यहाँ पर, और जिन सचिव के पास मैं भी रहता हूँ वे भी जा रहे हैं। दो बसें चल पड़ी हमारी, एक मोटा उसमें जा दिया। और हमारे जिले की जो बसें हैं वे चल पड़ी हैं, और कुछ बसें जो हैं मुजफ्फरनगर से मिलेगी हमें, यानी कि हमारे ज़िले से सात ब्लॉक है ना, सात में से दो दो गाड़ी जा रही है, किसी में तीन गाड़ी जा रही है, तो ऐसे करके 15-16 गाड़ियाँ जा रही है। और हमारे ब्लॉक की दोनों गाड़ी एक साथ चलेगी, आप देख सकते हैं एक आगे जा रहे हैं और एक में हम बैठे हैं, तो ऐसे करके सब बराबर जाएंगे। और हमारा जो रूट है मुजफ्फरनगर से सीधा बिजनौर, बिजनौर से मुरादाबाद, बरेली और सीतापुर को होते हैं, शाहजहाँपुर को होते हैं, सीधा नखलाऊ जाएंगे। उससे पहले सीतापुर हमें रुकना है, और फिलहाल जो है मुजफ्फरनगर बाईपास से होते जा रहे हैं जानसठ को। और मैं आज पहली बार जा रहा हूँ अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में। और अब पहुंचने वाले हैं हम बिजनौर ज़िले में, तो सबसे पहले बैराज आ चुका है, तो बैराज के दर्शन कराते हैं, मध्य गंगा बैराज, जय गंगे मैया। तो यहाँ तो मैंने आपको काफ़ी बार अपनी वीडियो में दिखा चुका हूँ, जब भी मैं अपने मामा जी के यहाँ पर जाता हूँ तो बैराज के गंगा मैया के दर्शन आपको ज़रूर कराता हूँ। तो आज फिर देखिए मामा जी के ज़िले में वो निकलते हुए जा रहे हैं हम। हाँ भाई, यहाँ पर बस रुकी है और यहाँ पर सब अपना चाय पानी पी रहे हैं, टिकट साहब बैठे हैं और सभी पंचायत साहब पानी तो हो गए, पानी ले लो। कौन सा स्थान है बोर्ड में देखना पड़ेगा, बोर्ड पर आप पहुँच गए। मुरादाबाद रोड है ये, मुरादाबाद, ये तो मुरादाबाद पहुँच गए, मुरादाबाद पहुँच गए। पहुंच चुके हैं रामपुर, यहाँ पर रामपुर रुके हैं हम खाना खाने के लिए, देख सकते हैं होटल में होटल पर रुके थे खाना खाने के लिए। दो बार को भरा होगा, तो यहाँ पर देखिए मैं तो ले लिया है, यहाँ पर हमने खाना ले लिया है, सबका खाना हो चुका है, देख सकते हैं। के दो बज चुके हैं और हम आए हैं सीतापुर से, 130 किलोमीटर पीछे हैं, नखलाऊ से 130 किलोमीटर पीछे हैं। सर्दी का तो कोई मतलब ही नहीं, जर्किन इतनी ठंडी है,
कि सर्दी का तो अनुभव हो ही ना बिल्कुल भी। तो दोनों बसें हमारी यहीं पर है, एक ये रही एक ये रही। हम पहुँचे हैं मोगलगंज, पहुँच चुके हैं हम तो यहाँ से 123 किलोमीटर लखनऊ है अभी फिलहाल। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं सीतापुर जी और समय 4 बज चुके हैं और यहाँ से देखे एक गांव में को होते हुए अंधेरे रास्ते में को जंगल के रास्ते से होते हुए एक डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, जो भी कॉलेज है वहाँ पर हमें स्टे करना है, वहाँ पर रुकना है हमें। और देखे स्कूल पे को जा रहे हैं, बहुत ही अंधेरा था, बहुत घने जंगल में होते हुए जा रहे थे हम। सीतापुर हम पहुँच चुके हैं और समय है 4:15, 4:15 बज चुके हैं यहाँ पर आने में हमें। तो प्रदेश की बहुत सी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, देखिए अब लौटने की व्यवस्था देखते हैं कहाँ पर लौटने की व्यवस्था हो रही है। गाड़ियाँ बहुत खड़ी है, गाड़ियाँ तो यहाँ पर पूरे प्रदेश की है ना। और इस कॉलेज का नाम है सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप इंस्टीट्यूशन। और जितने भी दूर दूर जिले के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सहायक हैं, सबको विश्राम यहीं पर करना है, सबको रुकने की व्यवस्था यहीं पर हो रही है। तो इधर तो ये बिल्डिंग है यानी कि क्लासों की, और इधर से हम आए हैं काफ़ी बड़ा कॉलेज है तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी। तो यार हमारा सारा स्टाफ तो सब यहीं पर आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, गद्दे रजाई अपनी जो लेकर आया है, गद्दे तो ऐसा यहीं पर मिल रहे हैं सबको। तो देखे कैसे सब लेटे हुए हैं। और हम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हो गए, 4 बज गए थे हमें यहाँ पर आने में 4:15। और देखे हम यहाँ पर जगह नहीं मिल रही बिल्कुल भी, तो मैं छत पे आया था यहाँ पर लेडीज़ के लिए रूम देखने के लिए, तो उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी थी, तो हम तो नीचे लेट जाएंगे, वे अपना रूम में लेट जाएंगी। ये व्यवस्था मुझको ही देखनी थी और सेक्रेटरी साहब को देखनी थी क्योंकि हम आए थे उनके साथ ही। तो सबसे पहले लेडीज़ के लिए रूम देखा और उसके बाद हम आराम से लेटे। दोस्तों आज है 16 दिसंबर और कल मैंने वो लोग नहीं डाल पाया था क्योंकि कल तो उन्होंने खुल रहा और वहाँ पर तो सिग्नल नहीं थे और वहाँ पर वीडियो एडिट नहीं कर पाया मैं अपनी, तो आज मैं वो लोग डाल रहा हूँ। गाड़ी में तो वीडियो नहीं एडिट हो सकी थी जिस कारण मैं कल का वो लोग नहीं डाल पाया, तो आज वो लोग डाल रहा हूँ और कल 2 वो लोग डालूँगा जिस कारण मेरा रूटीन सही हो जाएगा। और आज के वो लोग आपको कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राम राम जी।